बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 ऑफ क्लास 6 फ्रॉम काउंटडाउन बुक 6। वी सॉल्व इन दिस लेक्चर पेज नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। So students, open your book, page number 183. Question number 3. Can an obtuse angle have a right angle as one of its angles? Give reasons. बेटा हमने इसमें ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि क्या obtuse angle और right angle जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल में राइट एंगल बन सकता है, हमने रीज़न बताना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। नो एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो है कैन नॉट हैव अ राइट एंगल, वो राइट एंगल नहीं बनाती, क्योंकि सम ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ राइट एंगल इज़ ग्रेटर देन 180। कि अगर हम उनको ऐड करें तो बेटा वो 180 से बड़े हो जाते हैं। कि अगर हम जब ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं कोई भी, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के हम एंगल्स को ऐड करें तो वो ग्रेटर देन 180 हो जाएंगे, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। Is it necessary for the two angles of a right triangle to be acute? Give reason. कि क्या ज़रूरी है कि right triangle के two angles जो हैं वो acute हों। हमने reason भी बताना है कि क्यों acute, क्या होता है बेटा less than 90। और right triangle कौन से triangle है जिसका एक angle जो है वो 90 degree का हो। तो इसका आंसर है येस, जी हाँ, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, सो ईच ऑफ देम मस्ट बी एक्यूट। अगर हम टू एंगल्स को ऐड करें तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये ज़रूरी है कि वो एक्यूट हों। तो देखिए बेटा, राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों हम 45-45 के भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा इसलिए एक टू एंगल जो हैं वो एक्यूट होना ज़रूरी हैं। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। राइट द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ नंबर 1 एन इक्विलेटर ट्रायंगल। हमने इनमें एंगल्स के साइज बताने हैं। फर्स्ट पूछा गया है इक्विलेटर ट्रायंगल में, तो इसका आंसर है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। कि अगर हम बेटा 60 डिग्री का हर एंगल ड्रॉ करें तो वो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स भी सेम हों और तीनों एंगल्स भी सेम हों। तो अगर हम 60 डिग्री का एक एंगल रखें, इसका मतलब है कि तीनों एंगल 60 डिग्री के ड्रॉ करें, तो उनकी साइड्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास सेम आ जाएंगी। इसका सेकंड पार्ट है एंड आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आइसोसेलेस कौन सी है जिसके टू साइड्स जो हैं वो सेम हो, और राइट एंगल्ड कौन सी है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। तो इसका आंसर है बेटा द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज। तो एक जो है वो हम एंगल इसका ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का, और बाकी दोनों एंगल जो है वो हम ड्रॉ करेंगे 45 एंड 45 डिग्री के। तो 45 एंड 45 इनकी ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो सेम लेंथ हो जाएगी, तो ये हमारी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। आपने इसमें बेटा ट्रायंगल्स ड्रॉ नहीं करनी, जस्ट जो है वो यही आंसर्स हैं, हमने एक्सप्लेन करना है, हमने रीजंस देने हैं कि ये क्यों है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:5। फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। के
इंटरनल एंगल्स, इंटरनल कहते हैं बेटा अंदरूनी एंगल्स जो हैं किसी भी ट्रायंगल के, उनका रेशो दिया गया है 2:3:5। हमने साइज फाइंड करना है सबसे ग्रेटेस्ट एंगल का और व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, कि ये ट्रायंगल की कौन सी टाइप है ये बताना है। तो इसका आंसर है बेटा रेशो इन एंगल्स 2:3:5। ठीक है, ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोस, इन रेशोस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2+3+5 किसके इक्वल आ गया, 10 के। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो बेटा एंगल्स ट्राइंगल्स के एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा आ जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 5/10। ठीक है, सबसे बड़ा देखें रेशो क्या दिया गया था, 5/10। अब बेटा ये कटिंग कर देंगे, 10 1 10, 10 8 18 और 0 80 आ गया। 80 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इट इज़ अ, अगर 90 डिग्री के एंगल हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगी। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:5:7। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स। देखें ट्राइंगल के अंदरूनी जो एंगल्स हैं उनका रेशो हमें दिया गया है 3:5:7। हमने एंगल्स का साइज फाइंड आउट करना है, इसके अलावा फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। हमने इनका सबसे बड़ा जो है वो एक्सटीरियर एंगल का साइज बताना है। इंटीरियर बेटा किसे कहते हैं, ट्रायंगल के अंदर वाले जावियों को, और एक्सटीरियर किसे कहते हैं बेटा, ट्रायंगल के बाहर वाले जावियों को। तो हमने एक तो उसी तरीके से रेशो इनका जो दिया गया है, हमने एंगल्स के साइज फाइंड आउट करने हैं और हमने ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी उसका साइज भी बताना है। तो ये है बेटा इसका आंसर। इसमें जो है वो हमें ट्रायंगल मस्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखें रेशो इन एंगल्स, हमें एंगल्स का रेशो क्या दिया गया है, 3:5:7। देखिए क्वेश्चन 6 और इसमें क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे हमें सबसे ग्रेटेस्ट एंगल पूछा गया था, तो हमने क्या किया था कि जो सबसे बड़ा एंगल था, रेशो दिया गया था 5, उसको हमने सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया था 180 से ओवर उनके सम करने के बाद। तो हमें उसका जो है ग्रेटेस्ट उसकी टाइप जो है हमें पता चल गई थी, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल दिया गया है इस वजह से हमें इसकी ट्रायंगल डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सम ऑफ रेशो करते हैं, 3+5+7 क्या हो गया, 15। अब मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट ये लेंगे हम जो रेशो दिए गए 3, 15 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। 180 क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हमने क्या किया था, सम ऑफ रेशो वो है बेटा सम ऑफ एंगल्स। तो कटिंग कर देंगे, 5 3 15, 5 3 15 और यहाँ पे क्या बचा, 3 और आगे 0 है, 5 6 30। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, फिर बेटा 3 1 3 एंड 3 1 3 ये कटिंग होगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंगल की मेजरमेंट जो है वो क्या आई, 36 डिग्री। अब हम करते हैं मेजर ऑफ सेकंड एंगल, सेकंड एंगल को मेजर करते हैं। तो देखिए सेकंड रेशियो क्या था, 5, तो 5 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। सेम बेटा हम कटिंग करते हैं, 5 3 15, 5 3 15 और 5 6 30, 3 1 अगेन बेटा कटिंग हो रही है, ठीक है, 3 1 3। अब ये 36 को मैं अगेन कट कर रही हूँ, 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 और यहाँ पे है 12, 12 5 60 डिग्री। ये हमारे पास मेजरमेंट है अगेन सेकंड एंगल की। सॉरी बेटा, अब थर्ड हम एंगल फाइंड करेंगे, मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो देखें थर्ड रेशियो क्या था, 7 7/15 मल्टीप्लाई बाय 180। तो सेम बेटा कटिंग होगी,
फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी, अगेन कटिंग करेंगे, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स। अब यहाँ पे क्या आ गया, सेवन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व, ट्वेल्व को हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 84 डिग्री। तो देखिए हमारे पास थ्री एंगल्स आ गए, फर्स्ट आया 36 डिग्री, सेकंड है 60 डिग्री और थर्ड है 84 डिग्री। अब पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि देखिए एक तो हमने ये बताना है कि ये कौन सी टाइप है, टाइप तो हमें यहाँ से ही पता चल जाएगी बच्चे। देखिए तीनों जो एंगल्स हैं डिफरेंट डाले ना, 36, 60 एंड 84, तो अगर तीनों एंगल जो हैं वो डिफरेंट हो तो हमारी कौन सी टाइप होती है ट्राइंगल की, इट इज़ अ स्केलन ट्राइंगल, इट इज़ अ स्केलन ट्राइंगल। अब ग्रेटेस्ट इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट किया ये मैं यहाँ बताती हूँ आपको। ये देखिए बेटा डायग्राम, सबसे पहले मैंने खुद से मेजरमेंट ली है, ए बी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमने स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ की और उसके एंड पॉइंट्स को मैंने नेम दे लिया ए एंड बी का, 5 सेंटीमीटर। फिर बेटा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने ए पे एंगल ड्रॉ किया 36 डिग्री, बी पे एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री और सी पे एंगल ड्रॉ किया 84 डिग्री। फिर इन ये बेटा यहाँ पे मैं ना सी पॉइंट, इसका नेम जो है वो राइट करना भूल गई हूँ, यहाँ पे पॉइंट आप सी राइट कर लीजिएगा। ए को सी से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से, ये तो ऑलरेडी हो जाएंगे बेटा। देखें जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे ये और ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा थर्ड एंगल ऑलरेडी आ जाएगा 84 डिग्री का और ये हमारी एक ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगी जो कि है हमारी स्केलन ट्राइंगल। तीनों के देखिए एंगल्स डिफरेंट है और तीनों की साइड्स की मेजरमेंट जो है वो भी डिफरेंट ही है, ये तो हमारी ड्रॉ होगी ट्राइंगल। अब बेटा हमने क्वेश्चन किया है, हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल, हमने सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल का साइज बताना है। एक तो सबसे जो हम इजीली बता सकते हैं, हम बाकी नहीं फाइंड करने पड़ेंगे, वो ये है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके साथ जो एंगल बनता है ये ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको कर दिया ताकि आपको सही समझ आ जाए, इसको हम मेजर करें। तो बेटा इसके अब अगर हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर तो आप देखेंगे ये 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है ये सारा, और इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एंगल ड्रॉ हो रहा है 144 डिग्री का, ठीक है। इन तीनों लाइंस को मैंने एक्सटेंड कर लिया ये वाली, और फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने एंगल्स को मेजर किया। तो एक मैंने आपको रूल बताया कि जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके साथ जो एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल, ये सबसे बड़ा होता है। तो बेटा हमारा आंसर जो है ये ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल वो कितना ड्रॉ हुआ है, 144 डिग्री, और कैसे हुआ है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ये थे बेटे आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब नेक्स्ट आपने होमवर्क क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस करनी है इन सब क्वेश्चंस की अपने रजिस्टर पे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 पेज नंबर 183, ये आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है। आवर लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।